बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। आज मैंने सोचा आप लोगों को अपने सिटी का, अपने कराची के जो आजकल माहौल है, एनवायरनमेंट हुआ हुआ है, वो दिखाऊं, ताकि आप लोग थोड़ा सा मेडिटेट हों, आप लोगों का मूड खुशगवार हो। वरना आप लोग हमेशा ये सोचेंगे कि भाई ये तो सनोवर तो हमेशा जो है क्या कहते हैं, बीमारी के बारे में बताती रहती हैं, खौफज़दा ही करती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आप लोगों को मेडिटेशन भी करती रहूं, यानी कि आप लोग हेल्दी रहें, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो हेल्दी के साथ साथ खुशगवार भी रहे और स्ट्रेस फ्री रहे। तो अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिन में एक मरतबा या दो मरतबा अपने आप को मेडिटेट करते रहें, ताकि आपका जो मूड है वो खुशगवार रहे। बाल गिरते क्यों हैं, या हमारे बालों की ग्रोथ क्यों नहीं होती है, या जो एलोपेशिया होता है जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं गंजपन, तो वो क्यों होता है, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके जो कॉजेज होते हैं, उसके अंदर हम लोगों को क्या रेमेडीज़ अप्लाई करनी चाहिए, और उसके लिए हम लोगों को डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हमें क्या क्या टेस्ट सजेस्ट करेगा, और वो हमें कौन कौन सी दवाइयां बताएगा। पॉइंट है कि हमें पता किस तरह चलेगा कि हमारे बाल जो गिर रहे हैं वो नॉर्मल हैं या वो कोई बीमारी है। देखें, नॉर्मली जो बाल गिरने की मकदार होती है या तादाद होती है वो 50 से 100 के दरमियान होती है, यानी कि 50 to 100 के दरमियान होती है। अगर उससे ज़्यादा बाल गिर रहे हैं और वो कुछ अर्से के लिए गिरे हैं तो वो तो इग्नोरेबल है, लेकिन अगर वो बाल बहुत लंबे अरसे से आपके 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए परेशानी की बात है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, मैं जो हमेशा आप लोगों को अपने वीडियोस के अंदर बताती हूँ कि भाई आपने डॉक्टर के पास तो जाना है, लेकिन आप उससे पहले अपने घर में रेमेडीज़ अप्लाई कर लें। रेमेडीज़ अप्लाई करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक तो ये जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, तो आप कोशिश करें कि हम लोग जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे अपनी बीमारियों को कवर करने की कोशिश करें। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में हर बीमारी की कोई ना कोई रेमेडी बताती हूँ। दूसरी बात ये कि आप लोग कोशिश क्या करें कि जितने भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, उन सबको हम लोग इस्तेमाल करके देखें। अगर रेमेडीज़ से अगर फ़ायदा हो जाए, होम रेमेडीज़ से अगर फ़ायदा हो जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों ने अपने बालों के गिरने की तादाद नोटिस करनी है। अगर वो जो रिसीडिंग हेयर लाइन है वो ब्रॉड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसको जो है नए बाल, न्यू ग्रोथ जो होती है उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। अक्सर जगहों पर होता है कि बाल कमज़ोर होने की वजह से बीच में से टूट जाते हैं, जिनकी वजह से बालों की लेंथ और ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है। तो उनकी वजूहत सबसे पहले ये होती हैं कि या तो वो सबसे पहले हेरिडिटी प्रॉब्लम होगा, सही है, उसके कॉजेज ही होते हैं, या तो वो हेरिडिटी प्रॉब्लम होगा। अगर हेरिडिटी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि वो ख़ानदान में किसी ना किसी को है, और वो आपके जेनेटिकली आपकी बॉडी के अंदर है, तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर जितने भी जेनेटिकली जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, बाल गिरने की दूसरी वजह कीमोथेरेपी भी होती है। तो एक होती है बीमारी जिसको कहते हैं कि एलोपेशिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके बाल जो होते हैं वो ग्रेजुअली गिर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो उसके न्यू ग्रोथ ऑफ हेयर होती है, यानी कि जो नए बाल होते हैं वो नहीं हो रहे होते, या वो उसको पुराने बालों को रिप्लेस नहीं कर रहा होता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी कहना चाहिए रिसीडिंग हेयर लाइन है उसको वो बढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा होता क्या है कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनको डैमेज कर रहा होता है, उसकी वजह से हमारे बाल गिर रहे होते हैं। तो हमें डॉक्टर के पास जाना किस टाइम चाहिए? हमें डॉक्टर के पास जाना उस टाइम चाहिए जब हमें ये सारे सिम्टम्स हो रहे हों, हमें लगे कि ये एक बीमारी है, 100 से अबव बाल गिर रहे हैं, एक लंबे अरसे से गिर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये नए बालों से जो है वो रिकवर नहीं हो पा रहे, यानी कि रिप्लेस नहीं हो पा रहे, तो हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर हमारे पास, हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें जो मेडिसन्स लिख के देंगे, उन मेडिसन से पहले वो हमारे कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसको कहते हैं ब्लड स्क्रीनिंग। ब्लड स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है कि उसके अंदर हम लोगों का वो करवाएंगे थायराइड का टेस्ट, क्योंकि थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है,
और जो है कहना चाहिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, आयरन करवाएंगे, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स का करवाएंगे। ये सारे टेस्ट आप लोगों के करवाए जाएंगे, जिसकी वजह से पता चलेगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अगर इससे भी डायग्नोज ना हो सका तो फिर बायोप्सी की जाएगी, जो हमारे स्कॉल्प की होगी, हेयर स्कॉल्प की। तो उसकी बायोप्सी के बाद हम लोग उसको जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादातर तो स्टेरॉइड दिए जाते हैं, क्योंकि स्किन एक होता है मिनोक्सिडल और एक होता है फेनेस्टेरॉइड, तो ये दो मेडिसिन दी जाती हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा, अब हम लोग के अगर प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, प्यूबर्टी है, तो इसके अंदर हमारे जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके नतीजे में भी हमारी जो स्किन होती है, हमारा हेयर्स होते हैं, वो जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, काफ़ी डिजीज़ आ जाते हैं। तो उनको भी इस तरह से जो है क्या कहते हैं ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब रेमेडीज़ के अंदर हम रेमेडीज़ की तरफ बाद में जाएंगे, हम पहले अपनी डाइट की तरफ आएंगे। अपनी कहना चाहिए कि अपनी जो डेली लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसको हमने सबसे पहले डेवलप करना है। हमने जो अपना लाइफ स्टाइल है ना, वो डेवलप इन अ सेंस करना है कि हमने अपने जो एक्सरसाइज है, जिसे कहना चाहिए स्लो एक्सरसाइज, या वॉक कर लें, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। उससे क्या हुआ कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, जो और वो बारीक नसें हैं, वो बारीक वेंस जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वहाँ वहाँ ब्लड पहुँचेगा जहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहा था और ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो आपकी जो वॉक होती है और एक्सरसाइज होती है, वो भी एक बड़ा किरदार अदा करती है आपके स्किन, बालों और पूरी बॉडी के जो कहना चाहिए रिस्पॉन्स में। तो दूसरी बात ये कि हम जो खाते हैं, हमारी बॉडी उसी चीज़ का रिस्पॉन्स देती है। हम लोगों को अपनी डाइट डेवलप करनी है। डाइट के अंदर ये हमने सबसे पहले करना है कि हमने अंडा, मुर्गी, गोश्त, दालें, लेग्यूम्स जो होती हैं वो, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब का इस्तेमाल बढ़ाना है। क्योंकि जो अंडा होता है उसके अंदर जिंक भी होता है, फास्फोरस भी होता है, वाइटिन भी होता है, सेलेनियम भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिकन के अंदर भी बायोटिन होता है, फास्फोरस और जिंक होता है। इसी के साथ साथ देखें, कैरेट खानी चाहिए, विटामिन ए होता है इसके अंदर, आयरन होता है। इसके साथ साथ हम लोगों को इसके साथ साथ हमें स्वीट पोटैटो लेना चाहिए। स्वीट पोटैटो के अंदर जो होता है वो कैरोटीन होता है, और कैरोटीन जो होता है वो हमारे बालों के टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा होता है। कि आप अंडा, हनी और लेमन का मिला के मास्क लगाएं, आपको जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत सारे मास्क लगाने की तरकीबें जो होंगी वो आपको गूगल पे या नेट पे मिल जाएंगी, इंटरनेट पे। तो आप के लिए जो अहम चीज़ें होंगी बालों के लिए वो ये होंगी कि आप अंडे का मास्क लगाएं, ग्रीक योगर्ट जो होता है, योगर्ट और लेमन का मास्क लगाएं। इसके अलावा आप बालों को कहना चाहिए कि कोकोनट मिल्क का मास्क लगाएं, ग्रीन टी का मास्क लगाएं, और जो मेहंदी होती है मेहंदी का, और जो आंवला होता है उसका मास्क लगाएं। तो इन सब चीज़ों से आपके बालों की ग्रोथ भी होगी और आपके बालों को जो है कहना चाहिए नरिश्ड भी होंगे। अच्छा, उसके साथ साथ देखा गया है कि कुछ कॉजेज़ इस तरह के होते हैं कि जिस तरह हम लोग कुछ मेडिसिन खा रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हमारे बाल गिर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर, अर्थराइटस और गाउट की डिजीज़ है, या कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होती है। तो इन सब चीज़ों की हम लोगों ने जब हम लोगों का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर हम जब डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर वो हमारे जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं प्रोटीन की, विटामिन्स की, वो उनके लिहाज से वो हमें दवाइयाँ लिख के देते हैं और वो उससे प्रॉब्लम रिकवर हो जाती है। कुछ जगहों पर देखा गया है कि ये ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी बाल गिरते हैं। तो अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमारे बाल गिर रहे होते हैं। तो हमने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अब हमने बालों को ट्रीट किस तरह करना है। कुछ लोगों का ये होता है कि बाल हेल्दी होते हैं लेकिन वो बालों को बहुत रफली ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाल जो होते हैं या तो थिन हो जाते हैं या फिर वो डैमेज हो रहे होते हैं। तो हमने अपने बालों के साथ करना क्या है कि सबसे पहले तो उसका जो शैम्पू उसको सूट करता है बालों को, वो शैम्पू इस्तेमाल करना है। अगर आपकी जो स्किन है बालों की वो ऑयली है तो ऑयली ऑयली हेयर का शैम्पू इस्तेमाल करेंगी, और अगर ड्राई है
तो आप ड्राई हेयर का शैम्पू इस्तेमाल करेंगे ऑयल टू, और अगर आपकी दरमियानी है तो आप ऑयली टू ड्राई स्किन के जो शैम्पू होगी वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरे, आपने गीले बालों में कॉम नहीं करना। तीसरा ये कि आपने अगर जो बालों को डिटेंगल करते हैं यानी उसमें जो लगी हुई गांठें होती हैं उनको खोलते हैं, उन गांठों को पहले आपने हाथों से खोलना है, फिर उसके बाद आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता जो मोटे दांतों वाला कॉम्ब होता है ना उसकी तरफ से आपने उसको कॉम्ब करना है। फोर्थ जो है हम लोगों ने करना है कि हमने बालों को झटकना नहीं है। और फिफ्थ जो ये है, हमने बालों को बहुत ज़्यादा आयरन और कर्लर और इन जो हीट देने वाले हेयर स्टाइल्स होते हैं उनको अपनाना नहीं है। और अगर हमें मजबूरन करना भी पड़ रहा है तो हम जो जो हीट रेजिस्ट करने वाले जो स्प्रेज होते हैं उनको अप्लाई करना है फिर उसके बाद करना है। और ज़्यादातर कोशिश करें कि हम बालों को हीट ना पहुँचाएं जिससे बाल डैमेज, रफ़ और ख़राब हो जाते हैं। हमने अपने बालों को सनलाइट से और यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि घर में पहले इन सब चीज़ों को अप्लाई करके देख लें फिज़िकली, फिर उसके बाद जब अगर आप लोगों को महसूस हो कि ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं या वर्क नहीं कर रही हैं देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर्स फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। सो अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो नेचुरली होती हैं, अगर आपकी बीमारी नेचुरली रिकवर हो रही है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है किसी होम रेमेडी से तो इस वेल एंड गुड। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन लिख के देंगे और मेडिसिन जो होती है वो केमिकल्स की ही बनी हुई होती है, तो बॉडी के अंदर हमारे पता नहीं ऑलरेडी कितने केमिकल्स जा रहे हैं, अगर ये एक और केमिकल चला जाएगा तो और मिकदार बढ़ जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि पहले आप अपने घर में होम रेमेडीज़ अप्लाई करें, अगर वो आप काम ना करें तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। अब हम जितने भी हेयर मास्क हैं जो ऑर्गेनिक हों, जो नेचुरल हों, उनको अप्लाई करें। अपनी डाइट को प्रोटीन से, वाइटामिन से बैलेंस करें। वॉलनट्स खाएं, वॉलनट्स हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चिकन खाएं, एग खाएं, और उसके अलावा हनी लें, हनी बालों में भी लग सकता है, लेमन के साथ मिलाकर हनी खाएं। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग अपने एक एक टॉपिक के ऊपर दो दो दिन तक मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, कई जगहों से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद आप तक ये सारी मालूमात लेकर आते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये आप लोगों को सिर्फ देखने में 2 से 5 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन हम लोगों का ये 3 से 4 दिन का वर्क होता है। तो बराए मेहरबानी अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट्स किया करें अगर कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकें और हम आपके काम आ सकें। और दूसरों को शेयर किया करें ताकि दूसरों के काम आ सकें, हम भी और आप भी। मुझे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।